निदा आंटी जी, वक्त आ गया है अनाउंस करने का कि कौन आगे जाएंगे और कौन अगली बार जब भी बूगी बूगी होगा बच्चों का फिर आएंगे। लेकिन एक एक काम करें आंटी, एक छोटा सा फ्लैशबैक देख लें इनका, कल वाले और आज वाले, जरूर इनका एक फ्लैशबैक देख लें, जरूरी रिकलेक्ट हो जाए फ्लैशबैक। राह चलत लचके पनिहारी शुरू करें और देखें कि कौन आगे बढ़ गए और कौन पीछे रह गए। रवि ने और नावेद ने जो मुझे कहा है कि आंटी आती हैं तो कुछ अच्छी बातें भी कर जाती हैं। बिल्कुल। अब दादी बन गए हैं तो अगर हम लोगों को, अपने देशवासियों को और बच्चों को और जो हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ अच्छी बात ना बताएं तो फिर हमारे इस तजर्बे का फायदा क्या। तो सबसे पहले तो मुझे श्री गणि दे दो और हम यही कहेंगे कि हर काम जो है वो श्री गणेश से होता है, शुरुआत इनके नाम से होती है। और जैसा कि ये कार्विंग किया गया है, हैंड कार्विंग है, हाथों ने, इंसानी हाथों ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ एक बनाई है कि वाह वाह करने को जी चाहता है। लेकिन वही इंसानी हाथ जब बम बनाते हैं और लोगों को और दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं चाहती हूँ श्री गणेश का आशीर्वाद लेके हर हिंदुस्तानी, हमारा देशवासी, बल्कि हर दुनिया का वो इंसान जो अमन चाहता है, शांति चाहता है, वो अपने हाथों से क्रिएटिव काम करे, डिस्ट्रक्शन ना करे। तो चलो भाई अब अनाउंस करते हैं जो हार रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, ओके। तो पहले जो आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, फ्रॉम भुवनेश्वर दीपक कुमार मोहराना, कोलकाता की मेधा मालिनी, फ्रॉम भुवनेश्वर तुलिका त्रिपाठी, साहिल त्यागी फ्रॉम सहारनपुर, फ्रॉम नागपुर खुशबू कदम, ये तो पांच हो गए, हमको पांच चुनने थे लेकिन क्योंकि कंपटीशन अच्छा था तो हम एक और को चुनेंगे। हाँ जी, पांच के बजाय आज छह हैं। बहरामपुर से सिमरन साहू, आंटी जी यहाँ खत्म हो गया हमारा इस हफ्ते का शो। बस हम ये कहेंगे कि जिनके दिल थोड़े से दुखी हैं जी, वो इस शेर को याद कर लें जी, कि तबस्सुम में गम को छुपाओ तो जाने, तबस्सुम में गम को छुपाओ तो जाने, हमारी तरह मुस्कुराओ तो जाने। और हम लोग भी आते हैं अगले हफ्ते एक और सेमीफाइनल राउंड के साथ, वहाँ भी 5-10 आएंगे और उनमें से हम 5 या 6 चुनेंगे।
और तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए एक ही चीज कर सकते हैं जो आंटी जी हमें करवाएंगी, और वो है This August, get freedom from all your worries with the best of entertainment.